दोस्तों, आज मैं आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस, सबसे आसानी से मिलने वाली जॉब, और वो है पिकर और पैकर की जॉब। आज मैं आपको पिकर और पैकर जो जॉब्स होती हैं उनकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ। इसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने पैसे सेव कर सकते हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी इनकी सैलरी होती है, और इसकी एजुकेशन एक्सपीरियंस, और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है, ये सब मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पिकर जॉब होती क्या है। पिकर और पैकर की जॉब, जैसे वेयर हाउस में वर्कर्स और हेल्पर्स काम करने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान उठा के रखने वाले होते हैं, स्टैक्स होते हैं, तो पैलेट्स होते हैं, वहाँ पे जिस तरह से पैक करके रैप करके सामान रखा जाता है, तो ऐसे हेल्पर्स और लेबर को हम बोलते हैं पिकर और पैकर, जो वेयर हाउस की जॉब्स में होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस जॉब के लिए अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री में हैं और आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वेयर हाउस मैनेजर या सुपरवाइजर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो कुछ जॉब्स में एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी होता है, 1 या 2 साल का, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स या लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो आप ऐसी जॉब्स को सर्च करके जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हर जॉब में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश कितनी अच्छी आनी चाहिए, तो ये जॉब एक पिकर और पैकर, एक हेल्पर की तरह है, लेबर की तरह है। तो इसमें अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश समझ में आनी ज़रूरी है। अगर आप बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका सुपरवाइज़र, आपका सीनियर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो आपको वो समझ में आनी ज़रूरी है। तो इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, एजुकेशन, इंग्लिश और एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता दूं, इस जॉब की जो वेजेस हैं वो कम से कम $25 से लेके $35 तक होती है। अगर आप शनिवार या संडे को, सैटरडे और संडे को, वीक डेज में अगर आप काम करते हैं, तो ये वेजेस ज़्यादा होती हैं। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो आपकी वेजेस $5 या $10 बढ़ जाती हैं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। अगर हम आवर्स की बात करें, तो हर जॉब के आवर्स, वर्किंग आवर्स डिफरेंट होते हैं। अगर फुल टाइम जॉब की बात करें, तो एम्प्लॉयर्स आपको एक हफ्ते में 40 घंटे की जॉब देते हैं। आपको एक हफ्ते में 5 दिन जो हैं, मंडे टू फ्राइडे, 40 आवर्स आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करना चाहें तो आपकी मर्जी है, और सैटरडे को आप 10 घंटे या 8 घंटे आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो की, इस जॉब की, और वो है कि आप कितना इसमें कमा सकते हैं और कितना आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि सबके जहन में, सबके दिमाग में यही सवाल होता है कि हम कितना कमाएंगे या कितना सेव करेंगे। तो मैं आपको अब ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि भाई आप कितना कमा सकते हैं पिकर पैकर की जॉब में। तो अगर आप 10 घंटे के लिए काम करते हैं एक दिन में, और 5 दिन काम करते हैं, तो वो हो जाते हैं 50 आवर्स, एक हफ्ते के 50 आवर्स। और 50 आवर्स के, अगर मैं $20 के हिसाब से आपकी जॉब के बारे में बात करूं कि आपको एक घंटे के $20 मिल रहे हैं, ये मिनिमम ले रहा हूँ मैं, हालांकि $30 भी होते हैं, लेकिन मिनिमम ले रहा हूँ $20, तो एक हफ्ते के 1000 से लेके $1500 बन जाते हैं। कि $20 या $25 के हिसाब से अगर लिया जाए, तो 1000 और 100, 500, $1500 एक हफ्ते के बन जाते हैं। अब शनिवार और संडे को भी आप काम कर सकते हैं। वीकेंड में जो काम होता है उसमें सैलरी जो होती है या वेजेज जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, और संडे और सैटरडे को 10 और 10 घंटे 20 घंटे हो जाते हैं, 20 आवर्स, और वो वेजेस $30 पर आवर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, तो वो हो जाता है 600। तो एक हफ्ते में आप 1000 प्लस 600, 1600 और $2000 के बीच में आप कमा सकते हैं एक हफ्ते में। अब एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं कम से कम, तो आप देख सकते हैं 1600 × 4, 5400, और अगर 2000 के हिसाब से समझे तो 8000। तो 5400 से लेके $8000 पर मंथ आप इस जॉब में कमा सकते हैं।
अब मैंने सिर्फ ये $20 का ही वेज लिया था जो 5 दिन का है, वो $30 भी हो सकता है, $25 भी हो सकता है, इसीलिए जो पर मंथ की जो सैलरी है दैट विल बी बिटवीन $5,400 to $8,000 डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एंड नंबर ऑफ वर्क्स। कुछ लोग 12 घंटे भी काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, जो 12 घंटे काम करेंगे वो $8,000 से या $9,000 तक भी कमा सकते हैं। अब मैं इसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ तो आप पहले ये देख लीजिए कि 8,000 में से मैं ये माइनस कर देता हूँ कि आपका एक महीने का खर्चा क्या होता है, और एक महीने का जो खर्चा होता है वो कम से कम $2,500 से $3,000 होता है, ये मिनिमम खर्चा है $3,000। एक आदमी अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उसका खर्चा कम से कम $3,000 है, तो 8,000 और $7,000 अगर मैं लेता हूँ एक महीने में आप कमा रहे हैं, तो 3,000 माइनस कर दिए जाएँ तो ऑलमोस्ट $4,000 आप एक महीने में सेव कर सकते हैं। अगर $4,000 को ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो इट कम्स अराउंड 2,24,000, मतलब 2,25,000 या 2,50,000 के करीब करीब आप हर महीने सेव कर सकते हैं। कमा नहीं सकते, सेव कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आप सेव कर सकते हैं। तो अगर एक महीने में 2,50,000 आप सेव कर सकते हैं तो 10 महीने 2,50,000 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25,00,000, तो एक साल में 30,00,000 के करीब करीब आप सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सिर्फ बातें नहीं बता रहा हूँ कि एक साल में 30,00,000 और 4-5 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जाके, ये मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये जो डॉलर मैंने लिया है $20 या $30 पर आवर, ये सब हर जगह आपको किसी भी जॉब में दिखाई देगा जो भी वेजेस बताते हैं, तो मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ कि आपको $30 है। मैंने अपने दोस्त से जब बात की थी तो उसने भी मुझे $30 बताया था। 2 दिन पहले जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक एम्प्लॉयर से बात की है, जिसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है, मैंने एक एम्प्लॉयर से बात की है ऑस्ट्रेलिया में पिकर जॉब के लिए, और उन्होंने भी मुझे ये वेजेस बताए हैं कि $25 to $30 डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग गिवन टू हिम। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये सैलरी भी कैलकुलेट करके बताई है, इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है। लेकिन मैंने जिस तरह से लोगों से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो पहुँचे हैं, उन्होंने जो मुझे बताया है और दूसरे लोगों से जो मुझे पता चला है कि $3,000 per month आपका मिनिमम खर्चा है, मिनिमम सो मतलब 2,500 ले लेके $3,000, अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो $2,000 to $2,500 में भी आप रह सकते हैं, और कहीं कहीं जॉब्स में तो आपको अकोमोडेशन फ्री है, जिससे मैंने बात की वहाँ पे अकोमोडेशन फ्री है क्योंकि वो 5 आवर्स दूर है, 5 घंटे की फ्लाइट है मेलबोर्न से, तो वहाँ पे अकोमोडेशन फ्री है, तो आपकी सेविंग ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ कि आप 2,50,000 per month आप सेव कर सकते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि एक साल में आप कितना सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको जो जॉब्स हैं पिकर जॉब्स या पैकर जॉब्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, उसकी क्लिप दिखा देता हूँ छोटी सी, वो कहाँ कहाँ हैं कैसे हैं वो आप देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे कि कितनी जॉब्स हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो 2 वेबसाइट्स या 2 या 3 वेबसाइट्स में मैंने सर्च करके ये क्लिप आपके लिए बनाई है, और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, अगर आप चाहें तो जॉब्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त हम Zora.com पे हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि वेयरहाउस की जॉब्स 70,000 से भी ज़्यादा हैं, 70,000 से भी ज़्यादा जॉब्स हैं, वेयरहाउस असिस्टेंट, डिस्पैच असिस्टेंट, स्टोर मैन, पिक एंड पैक, तो स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर जो जॉब्स होती हैं वो यही हैं। अब आप पिकर और पैकर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, वेयरहाउस, पिक एंड पैकर। अब एक जॉब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जॉब अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ साइट्स एंड कंपनीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यू शिफ्ट्स, वी आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस और द एबिलिटी टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन वेयर हाउस प्रोडक्शन, पिक एंड पैकिंग, सॉर्टिंग ऑफ स्टॉक एंड ऑर्डर्स, काउंट स्टॉक। तो ये देख रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास एबिलिटी है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप काम कर सकते हैं या आपको ट्रेनिंग भी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो हमने आपके सामने पहली जॉब खोली तो उसमें इसी तरह से था, तो आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑस्ट्रेलियन रिज्यूम और ऑस्ट्रेलियन के कवर लेटर के साथ।
दूसरी जॉब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए सैलरी जो है $26 से $30 है पर आवर, मंडे टू फ्राइडे काम है, मेलबोर्न में है ये। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिलेटिव एक्सपीरियंस इन मैनुफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, प्रोडक्शन एनवायरमेंट, एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी ऑन रिलायबल ट्रांसपोर्ट। तो आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, वेयर हाउस पिक पैकर्स फॉर डे और आवर शिफ्ट्स, लोकेशन होबार्ट में है। अब देख रहे हैं लोकेशन साथ में ही, और ऑस्ट्रेलिया के ऑल ओवर इलाके में हर जगह यहाँ पे ये जॉब्स अवेलेबल होती है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे, नहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह, क्वींसलैंड हो, नॉर्थ वेस्ट वेल्स हो, मेलबोर्न हो, पर्थ हो, सिडनी हो। अब मैं आपको ये दूसरी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, seek.com। दूसरी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि पिक पैकर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जैसे ये देखिए अब 4 लोकेशंस पे अवेलेबल है। ये प्राइवेट एडवर्टाइज़र है जिसकी जॉब्स जो हैं, जिसका बहुत सारा बिजनेस है, और देख लीजिए $34 तो 39 पर आवर। तो $30 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि $30 तो मिल ही जाते हैं। शिफ्ट्स देखिए आप, डे आफ्टरनून नाइट्स, अगर आप देखेंगे वेजेस तो नाइट की जो है $39 है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि वीकेंड्स और नाइट शिफ्ट की जो जॉब्स जो वेजेस होती हैं ज़्यादा होती हैं। आप इसकी रिक्वायरमेंट्स खुद देख सकते हैं और यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, आप रेगुलरली अप्लाई करते जाइए। आप अच्छे से रिज्यूम के साथ अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को बना के आप अप्लाई कीजिए। ये $35 to $39 पर आवर के हिसाब से यहाँ पे है। कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी करके बता दी है $30 पर आवर कि कितनी जॉब्स, कितनी इनकी वेजेस होती है, तो उससे आप 1 महीने में कितना कमा सकते हो, कितना आप सेव कर सकते हो। फैक्ट्री हैंड, वेयर हाउस स्टाफ, पिक पैकर, तो वेयर हाउस स्टाफ में आपका सुपरवाइज़र के तौर पे भी आ सकता है। वेयर हाउस वर्कर्स देख लीजिए आप, स्टोर पर्सन का मतलब स्टोर कीपर ही हुआ, तो आप यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप तीनों वेबसाइट्स, तीसरी वेबसाइट एक और है जिसकी मैं क्लिप आपको आगे दिखा रहा हूँ, तीनों की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश की भी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ये जो है तीसरी वेबसाइट, ये है बैकपैकर जॉब्स, ये भी बहुत अच्छी जॉब साइट है। इसमें आप देख सकते हैं लोकेशंस के हिसाब से आप अपनी जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी के हिसाब से आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में कैटेगरी है, इसमें मैं आपको लेबरर जॉब्स में ही दिखा पाऊंगा क्योंकि वेयर हाउस को कैटेगराइज नहीं किया है इन्होंने। तो वेयर हाउस की जॉब जो होती है, पिक और पैकर हेल्पर की जॉब जो होती है, वो एक तरह से लेबर की तरह ही हुई। तो ये एक और वेबसाइट आपको मैं इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसी मौके का फ़ायदा उठा के आपको दूसरी चीज़ भी दिखा रहा हूँ, वेयर हाउस स्टोर पर्सन देखिए। तो और भी जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वेयर हाउस की तरह। ये गार्डनिंग, लेबरर देख लीजिए आप, हैंडीमैन देख लीजिए। तो ये छोटी मोटी जॉब्स के लिए लोगों को लेबर की ज़रूरत होती है, जनरल लेबर देख लीजिए, जंक रेमुनरेशन, स्किल्ड लेबरर। तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, वेयर हाउस लेबरर, फोकलिफ्ट और ड्राइवर। अगर आपको फोकलिफ्ट आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मैंने आपको इस जॉब के बारे में सारी डिटेल दे दी है। वैसे तो अगर कोई डिटेल रहती है, कमी रहती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको जॉब्स अप्लाई करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेचुरली ये जॉब्स जो आपने अप्लाई करनी है ऑस्ट्रेलिया में, दैट हैज़ टू बी इन ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट रिज्यूम एंड कवर लेटर। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन का रिज्यूम और कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं हमेशा कॉल पे आपको काउंसलिंग नहीं कर सकता। अगर आपको कैरियर काउंसलिंग करनी है तो अलग बात है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थोड़े से चार्जेस के साथ आप कैरियर काउंसलिंग करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में या आपके जहन में अगर कोई और किसी और जॉब के बारे में आपको पूछना है, समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है। थैंक यू वेरी मच।